अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम एक इंतहाई अहम खबर आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, इन तीन चूहों के ऊपर बात करेंगे और इमरान खान के ऊपर जो कातिलाना हमला है उसके बारे में भी डिटेल में बात की जाएगी। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं इन तीन चूहों की, जो एक खत के जरिए पकड़े गए हैं। इनका लीडर पकड़ा गया है, इनको अमेरिका की सपोर्ट है, इनको पाकिस्तान के इदारों ने बड़ी समझदारी से इनको अपने काबू में कर लिया है। पाकिस्तान के जो इदारे हैं, एक कौमी सलामती का इजलास वजीर आजम इमरान खान साहब ने कल तलब किया था, उसमें एक अहम फैसले किए गए हैं कि इन तीन चूहों को और इनका जो लीडर है नवाज शरीफ और उसका जो बाप है अमेरिका, इन सबको रौन कर रख दिया जाएगा। पाकिस्तान आर्मी यहाँ पर चूड़ियां पहनकर नहीं बैठी, इनको इनकी नानी याद दिला देगी। पाकिस्तान फौज जो है वो इंतहाई काबिल फौज है, वो इनको कहीं भी नहीं छोड़ेगी। ये जो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जो इनके ये जो और जो फजल रहमान है, मौलाना फजल रहमान नहीं, वो फजल रहमान है, मौलाना का वो नाम बदनाम कर रहे हैं। इनको आर्मी कोर्ट के तहत ट्रायल किया जाएगा, इनके ऊपर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा गद्दारी का, और तहरीके अदम एतमाद की वोटिंग से पहले इंशाल्लाह इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज किया जाएगा, और इनको लग पता जाएगा कि मुल्क के साथ गद्दारी कैसे होती है। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने कल कहा कि हाँ, हम अमेरिका के बगैर नहीं चल सकते, अमेरिका के साथ हम अगर पंगा लेंगे तो अमेरिका हमारे लिए मुआशी मामला जो है वो मुश्किल पैदा कर देगा। क्यों पैदा कर देगा भाई? तुम लोगों ने तो ये सारी बगैरतियां पाली हैं इधर, तुम लोगों की वजह से ही तो हम अमेरिका के गुलाम हो गए। आज अगर इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है तो अमेरिका को क्यों तकलीफ हुई है? क्योंकि आज से पहले भुट्टो साहब के अलावा आज से पहले किसी ने नहीं कहा, इसीलिए तो अमेरिका को तकलीफ हुई है। फिर अगर दूसरी जानब अगर बात की जाए तो अमेरिकन जो एम्बेसडर है उसको पाकिस्तान सेक्रेटरीट में बुलाकर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है, और एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के बाद अमेरिका की जो कांपें हैं ना वो टांग गई हैं कि हमने ये जो हमारा जो सफीर है उसने ये नहीं कहा, ये खत ऐसा है तो वैसा है, इसकी बाकायदा तस्दीक हुई है। हमारा जो एम्बेसडर होते हैं दूसरे कंट्रीज में, वो जब भी किसी मुलाकात में जाते हैं तो उसको एक तहरीरी तौर पर लिखा जाता है, ये खत उनकी तरफ से आया है, हमारा जो एम्बेसडर है उसको अमेरिका में बुलाकर अमेरिकन सफीर ने उसको ये सारी धमकियां दी हैं और उन्होंने तहरीर करके ये पाकिस्तान हुकूमत को भेजी है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान साहब ने जो मुनहरिफ अरकान है और अपनी कौम जो है उन सबको ललकार दिया है कि तुम देख लो, ये कौम जो है कभी तुम्हें माफ नहीं करेगी, ये कौम जो है बड़े गौर से देख रही है, और कौम जो है वो गौर से देख रही है। ये कल के जो बल्दियाती इलेक्शन है खैबर पख्तूनख्वा के, उसमें नजर आ गया है वही इमरान खान साहब जो खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरले में कुछ ही सीटें जीत सके थे और कल उन्होंने वहां पर क्लीन स्वीप कर दिया है और कुछ ही सीटें दूसरी पार्टी जीत चुकी हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए इमरान खान जो है वो बहुत पॉपुलर हो गए हैं, और इमरान खान साहब ने एक अपने जो उनके जो सपोर्टर हैं उनको ये भी कहा है कि आप वोटिंग वाले दिन, तहरीके अदम एतमाद की वोटिंग वाले दिन आए, इस्लामाबाद आए, और आवाम जो है वो भरपूर तैयार है, भरपूर जोश है इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए आवाम के अंदर, क्योंकि इमरान खान एक सच्चा लीडर है, ईमानदार लीडर है, वो इस्लाम के लिए बोलता है, ये मौलाना जैसा नहीं है। मौलाना होकर भी वो इस्लाम के लिए नहीं बोलता, वो चोरों के साथ खड़ा हुआ है। इन जैसे मौलाना को तो मीनार पाकिस्तान की चोटी पर बिठा कर ना, मीनार पाकिस्तान की नोक पर बिठा कर जूतियां मारनी चाहिए कि ये मौलाना का नाम जो है वो बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप मौलाना फजल रहमान साहब के मुंह की बात करें तो उनके मुंह पे इतनी फटकार पड़ चुकी है कि वो बंदर जैसा मुंह उनका लगने लग गया है, ये उनके हालात पैदा हो गए। अच्छा, तो दोस्तों ये सारी बातें तो एक तरफ है, दूसरी जानब हम बात करेंगे इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमले की। इमरान खान के ऊपर जो मुमकिन कातिलाना हमला है उसकी जो थ्रेड है वो पाकिस्तान की एजेंसियों ने जारी कर दी है। इमरान खान साहब के ऊपर अमेरिका और ये जो तीन चूहे हैं इनके साथ मिलकर, और इनका जो बाप बैठा हुआ है वहां पर, वो बाप यहाँ पर आए ना, बाप तो वो बना फिर रहा है लेकिन छुप के वहां पे बैठा हुआ है। इमरान खान साहब से उसकी इतनी फटती है, वो यहाँ पे पाकिस्तान आया तो उसको बताते हैं वहां पे जाके छुप के बैठ गया है। तो इमरान खान साहब के ऊपर जो कातिलाना हमला है वो किसी भी वक्त हो सकता है। तो अगर ये किस सूरत में हो सकता है, अगर इमरान खान साहब जो है तहरीके अदम एतमाद नाकाम करने में कामयाब हो जाते हैं तो इमरान खान साहब को कातिलाना हमले में कत्ल करने की धमकी दी गई है, और ये धमकी इसीलिए दी गई है क्योंकि उस खत में वाजे है कि अगर इमरान खान साहब जो है तहरीके अदम एतमाद को अगर नाकाम कर देते हैं तो आगे जो पाकिस्तान का जो दौर है उसको और मुश्किल तरीन कर दिया जाएगा, और मुश्किल तरीन में यही होगा कि इमरान खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला किया जाएगा। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, अल्लाह ना करे अगर उनको कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान में जो हालात हैं वो बदतरीन हो जाएंगे, अवाम जो है वो सड़कों पर आ जाएगी और
अगर देखा जाए तो इस सूरत में इमरजेंसी नाफिज की जा सकती है मुल्क के ऊपर। अभी तक की सूरत हाल यही है। आगे मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें और हमारी जो वीडियो है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस्लामिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल इस्लामिक वर्ल्ड टीवी ऑफिशियल को विजिट कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।